गुड मॉर्निंग। आज के लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के व्यू टैब के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम किसी फाइल को ओपन कर लेंगे, जैसे कि हमने फाइल को ओपन कर रखा है। अब हम व्यू टैब के बारे में फुल जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले ये बहुत सारे व्यू दिए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी यहाँ व्यू हैं कुछ। आप ए फ्रंट लेआउट व्यू, ए फुल स्क्रीन व्यू, यहाँ से वेब लेआउट व्यू, यहाँ से आउटलाइन व्यू, यहाँ से ड्राफ्ट व्यू। आप कोई भी व्यू के यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे तो यहाँ से भी आपको सेम है। आप प्रिंट लेआउट व्यू का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसमें प्रिंट प्रीव्यू भी साथ में दिख रहा है, ऊपर वर्ल्ड लाइन भी दिख रही है, पेसर अप भी दिख रहा है, हेडर एंड फुटर भी डालते हैं वो भी दिखता है। अगर आपके और भी पेज हैं तो पेज सारे दिखाई देते हैं, यानी सबसे ज़्यादा प्रयोग प्रिंट लेआउट व्यू का किया जाता है। फुल स्क्रीन व्यू का इस तरीके से फुल स्क्रीन में हो जाता है, इसको क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। वेब लेआउट व्यू का प्रयोग होता है, जैसे आप इस तरीके से देख रहे हैं आपका पेज पर, आपको इसमें पेज नहीं दिख रहे हैं कितने पेज हैं। आउटलाइन व्यू में आपका एक लाइन के बाहर एक आउटलाइन लाइन का एक बिंदु आता है, उस पर क्लिक करके आप ये पता लगा सकते हैं कि ये लाइन कहाँ से कहाँ तक लिखी हुई है। क्लोज करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, फिर से व्यू पर जाएंगे। ड्राफ्ट व्यू है, ये ड्राफ्ट व्यू में आपका ड्राफ्ट व्यू जैसा दिख रहा है, जो पेज दूसरा आ गया आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता है, प्रिंट लेआउट व्यू का। इसके बाद रोल लाइन है, ये आपका शो एंड हाइड है, रूलर को आप हटा सकते हैं और यहीं से आप ला सकते हैं। यहाँ से आप ग्रिड लाइन आपकी प्रिंट आउट में नहीं निकलती है बल्कि यहाँ शो हो रही है। केवल इसका प्रयोग थोड़ा सा कुछ मैटर बनाने के लिए किया जाता है कि कहाँ से हमारा गैपिंग है, कितना मार्जिन छूटा है या नहीं छूटा। जैसे हमें दिख रहा है कि इसका पेज सेटअप नहीं है, तो हम यहाँ पर जाके इसका पेज सेटअप कर लेते हैं, साइज A4 कर लेते हैं और लंबाई पेज कर लेते हैं। तो ग्रिड लाइन हटा देंगे। डॉक्यूमेंट मैप दोस्तों, जितनी भी इसमें हम हेडिंग्स बना लेते हैं, हमें इसे क्लिक करके उस हेडिंग पर पहुँच सकते हैं। जितनी मीटर में हमारी हेडिंग्स हैं तो हेडिंग्स के लिए हम वहाँ से पहुँच सकते हैं। दोस्तों हेडिंग बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, यहाँ से हेडिंग बनानी होगी, हेडिंग तभी आप उसमें शो कर पाएंगे। थंबनेल्स आप बगल में पेज भी देख सकते हैं, कितने पेज हैं, टू पेज हैं, टू पेज में थोड़ा सा मैटर जा रहा है और आप यहीं से आप इनको बंद भी कर सकते हैं। जूम के द्वारा आप जितना ही परसेंट जूम करना चाहते हैं आप उस तरीके से कर सकते हैं, और अगर 100% करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से वन पेज का कर सकते हैं, यहाँ से टू पेज का कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप यहाँ जूम स्लाइडर पर जाके भी अपने पेज का जूम बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों न्यू विंडो, जैसे अभी आपका क्लास भी आई क्लास यानी कि क्लास बी का है ये अभी, और आप यहाँ आप क्लिक करके न्यू विंडो पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्लास बी टू लिख गया है। तो जैसे ही आप और भी न्यू विंडो खोलना चाहें तो सेम कॉपी खोल के आ गई, लेकिन यहाँ नाम ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, देखो तीन क्लास पेपर के खुले हुए हैं, आप देख रहे होंगे नाम यहाँ दिख रहा है B1, इस पर B2 लिखा है, यहाँ B3, यानी कि आपकी सेम डुप्लीकेट खुल गए हैं। अरेंज ऑल का मतलब सारे जितने भी आपके खुले हैं सब दिखाई देंगे, और आप किसी भी विंडो को आप बड़ा करके चेक कर लेंगे। स्प्लिट का प्रयोग होता है दोस्तों, जैसे हमें ये पेपर का पहला हेडिंग है जब प्रत्येक पेज में देखना है, तो आप देखो नीचे जाएंगे तो देखो आपका ये पेपर आपका इस दूसरे पेज में भी हम पहुंच गए, फिर भी आपका ये चेक हो रहा है, यानी दिखाई दे रहा है। अगर आप स्प्लिट को रिमूव करना चाहें तो रिमूव स्प्लिट से आप रिमूव कर सकते हैं। व्यू साइड बाई साइड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस साइड से आपके दिखाई दे जाएंगे, देखो साइड से दिखाई दे गए ना, ये भी खुले हुए हैं। आप इसी पे क्लिक करके आप व्यू साइड बाई साइड आप क्लिक करके बंद कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस समझ में तो आ गया होगा। इसके बाद मैक्रो है, मैक्रो मैं दोबारा से बताऊंगा, दूसरी लिस्ट में बताऊंगा मैक्रो होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही व्यू में है।